हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी। फ्रेंड्स, 10th क्लास के मैथ के लिए फुल कोर्स करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं एक्सरसाइज 15.1 का। फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें फर्स्ट पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नोट ई, ये किसके इक्वल होती है ये बताना है हमने। गाइज, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई और प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नोट ई, ये हमारे पास इक्वल होती है 1 के इक्वल। किसी भी घटना के घटने की प्रायिकता और न घटने की प्रायिकता 1 के इक्वल होती है। सेकंड पार्ट में द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है गाइज हमने, जो हैपन मतलब कि जो घटित न हुआ हो या जिसके घटने की कोई संभावना न हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है। उसकी प्रोबेबिलिटी होती है फ्रेंड्स 0। और सच एन इवेंट इज कॉल्ड, और उस इवेंट को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम इम्पॉसिबल या अनसर्टेन इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट। इसमें नेक्स्ट में द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है गाइज हमने, कि जो सर्टेन है, जो 100% श्योर है हैपन मतलब जो घटित होने के लिए सर्टेन है, उसकी प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होती है। जो 100% श्योर होता है कि कोई भी घटना हो, जो 100% श्योर होती है घटने के लिए, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है, 1। और सच एन इवेंट इज कॉल्ड, और उसको हम कहते हैं पॉसिबल या सर्टेन इवेंट, सर्टेन इवेंट। नेक्स्ट में द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज, इसमें पूछ रखा है कि जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं, सभी एक्सपेरिमेंट होते हैं, जितने भी एलिमेंट होते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है ये बताना होंगे। तो सभी जो इवेंट्स होते हैं घटना घटने की और घटना न घटने की, मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, ये 1 के बराबर होता है। तो जितने भी इवेंट्स हैपन होंगे या जितने भी इवेंट्स सर्टेन या इम्पॉसिबल जितने भी इवेंट होंगे, तो 1 के इक्वल ही होंगे। नेक्स्ट में द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डैश एंड लेस देन और इक्वल टू डैश, जैसे कोई भी घटना घटित होती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी गाइज ये इसमें होता है कि न तो वो 0 से कम होती है और न ही 1 से ज़्यादा होती है। तो ये होती है एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, देखो इसमें ये तो 0 से ज़्यादा होएगी या इसके इक्वल होएगी, एंड लेस देन और इक्वल टू या तो 1 होएगी या उससे लेस होएगी। ये था गाइज फर्स्ट क्वेश्चन में।